हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वाला बॉक्स बनाना सिखाऊंगा। और इस बॉक्स को बोलते हैं गेबल बॉक्स। और इससे पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है, लेकिन इससे पहले जो मैंने बॉक्स बनाया था वो था लैंडस्केप, और ये वाला बॉक्स है पोर्ट्रेट। और इस टाइप के बॉक्स को ज़्यादातर मेडिकल इक्विपमेंट पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और उसके अलावा इस टाइप के बॉक्स को बुक्स वगैरह की पैकेजिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बॉक्स की डाई लाइन, टेम्पलेट की लाइन, या फिर जो आप बोलते हैं वही मैं इस वीडियो में आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। और वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल में आपको एक घंटी दिखेगी। घंटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन तक आ जाएगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और उसके अलावा जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो कमेंट बॉक्स में लिख दे प्रेजेंट, यानी कि अपनी अटेंडेंस यहाँ पर लगा दें। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय करते हैं और मेरी वीडियोस से सीखते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर और इस बॉक्स की डाई लाइन आपको बनाना सिखाते हैं। और ये देखिए, ये नीचे से है स्नैप लॉक। ये देखिए, ये एक स्नैप लॉक बॉक्स है। तो अभी चलते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर और इसको करते हैं रिक्रिएट और आपको सिखाते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें आप हैंडल देख रहे हैं, ये सीधी सीधी है। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह का कर्व भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बॉक्स आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अभी चलते हैं अपने अडोब इलस्ट्रेटर पर और इस बॉक्स की डाई लाइन करते हैं रिक्रिएट। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वही डाई लाइन है जिसका मॉकअप आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन उस मॉकअप में आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो डाई कट है यहाँ पर इसमें कर्व है। और वो भी कर्व इसमें सिर्फ बीच में, अगर आप चाहें तो कर्व पूरा यहाँ से भी दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी पूरा कर्व अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो भी डिजाइन बनती है वो आप पर डिपेंड होती है, जैसे आप चाहें वैसे डिजाइन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे से ये है स्नैप लॉक बॉक्स। तो फ्रेंड्स, आइए इस बॉक्स को करते हैं रिक्रिएट। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, इसी बॉक्स को करूंगा कॉपी। कॉपी करने के लिए मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट ओ, तो यहाँ पर आर्टबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हम प्रेस करेंगे आर्ट और शिफ्ट और इसको धीरे से खींच लेंगे नीचे। तो ये हमारा बॉक्स इस तरह से कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम कर देंगे डिलीट। और सबसे पहले मैं इसका साइज दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो यहाँ पर साइज आ जाएगा। तो ये है 16x19.4 और इसकी जो विड्थ है इस बॉक्स की वो है 7.2 सेंटीमीटर। तो इसी साइज का अभी हम यहाँ पर रिक्रिएट करके आपको दिखाते हैं। और इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, सेम तरीके से आप किसी भी साइज का बॉक्स बना पाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे रेक्टेंगल और यहाँ पर 19.5 ये हो गया। ये देखिए, यहाँ पर 16x19.4 है, लेकिन मैं यहाँ पर 19.5 ले लेता हूँ, 1 mm का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको मैं कलर दूंगा रेड। यहीं से कलर मैंने पिक किया आई ड्रॉपर टूल से, जिसका शॉर्टकट है आई, और आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये देखिए, आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। उसके बाद इसी को करेंगे कॉपी, यहाँ पर रखेंगे और इसे मैं दे दूंगा 7.2 सेंटीमीटर, 7.2, और कंट्रोल वाई करके देख लूंगा। तो ये सही से नहीं मिला है अभी, तो मैं इसको सही से मिला लेता हूँ। ये देखिए, अभी सही हो गया। उसके बाद इन दोनों को पकड़ेंगे और अल्ट और शिफ्ट पकड़ेंगे और इसको, ये देखिए, एक कॉपी और कर लेंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट को भी यहाँ पर लगा लेंगे और ये हमारा बन जाएगा ग्लू लैब। तो इसको मैं दे दूंगा 2 सेंटीमीटर और इसको ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा झुकाऊंगा, इंटर प्रेस करूंगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट इंटर 0-1। ये देखिए, तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद अभी मैं इसका नीचे का स्नैप लॉक बना लेता हूँ। तो इसी को करूँगा कॉपी और इसको करूँगा रोटेट, रोटेट करके इसको यहाँ पर लगाऊंगा। ये देखिए,
और इस पार्ट को मैं यहाँ से मिला दूंगा। अभी इसकी हाइट है 7.2, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3.6। तो वो इसलिए क्योंकि जब ये बंद होता है तो आधा इस साइड से बंद होता है, आधा इस साइड से बंद होता है, तो इसीलिए इस पार्ट का हाफ हम नीचे में लगाते हैं बॉटम में। उसके बाद ये है इसका लॉक। लॉक को आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 1.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद इसको मैं करूँगा डिवाइडेड बाई फोर करना था, मैंने 2 कर दिया, डिवाइडेड बाई 4 हो गया। उसके बाद एक कॉपी और करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद इन दोनों को एक कॉपी और करके हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और इस लॉक को आप चाहें तो कम ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर रखा है, अगर आप चाहें तो इसको 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, आपके पेपर के साइज पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा रख सकते हैं, ये एक लॉक है। अभी हमें यहाँ पर ये बीच का पार्ट चाहिए और ये दोनों पार्ट नहीं चाहिए, तो इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पर रखूँगा और इस पार्ट को मैं यहाँ से मिला दूँगा और इस वाले पार्ट को हटा दूँगा। ये देखिए, तो बीच का पार्ट आ जाएगा और इसको थोड़ा सा कम करूँगा, -0.1 कर दूँगा, तो जब ये बंद होगा तो बंद होने में दिक्कत ना होगी। उसके बाद इस पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और इस पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और एक कॉपी और करके इसको मैं सेंटर में रख लूँगा और इसको कर दूँगा डिवाइडेड बाई 2, ये देखिए, और इन दोनों को करूँगा सिलेक्ट और यहाँ से यूनाइट, और इन दोनों को भी सिलेक्ट यूनाइट, इन दोनों को भी सिलेक्ट यूनाइट, ठीक है। अब हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट और ये पार्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, इस पर डबल क्लिक और आपको माइनस लेना है, आपके कीबोर्ड में माइनस बटन है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट एंकर पॉइंट टूल मिल जाएगा, ये देखिए ये डिलीट हो गया। उसके बाद इसी तरह से इन दोनों को भी डिलीट करना है, डबल क्लिक माइनस, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। उसके बाद इसको हमें कर लेना है सेट, इस पर हम क्लिक करेंगे और रोटेट टूल लेंगे जिसका शॉर्टकट है R, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे रोटेट, और इस पार्ट को हमें यहाँ से मिलाना है, ये देखिए। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी रख सकते हैं, और इस पर दोबारा करेंगे क्लिक यहाँ पर और इसको रोटेट, तो जहाँ पर था वहीं पर ये आ चुका है। और उसके बाद इस पार्ट को भी आप चाहे तो थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं इस तरह से, और आप चाहे तो यहाँ पर कर्व भी दे सकते हैं, ये देखिए ये हो गया कर्व, 4 mm का मैंने कर्व दिया है। उसके बाद इस पार्ट को थोड़ा सा हम कम करते हैं, तो इसको -0.05 यानी कि मैंने यहाँ पर 0.5 mm इसको कम किया है। उसके बाद इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसे कर देंगे रोटेट रिफ्लेक्ट सॉरी, और इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, ये देखें ये हो गया। आप देखिए ये यहाँ से थोड़ा निकल ले क्योंकि मैंने इसको थोड़ा कम किया था, तो इसको हम कंट्रोल वाई करके इसको मिला लेंगे, ये देखिए ये सही हो गया। अभी ये इस तरह का जो निकल रहा है इसको भी मैं सही कर लेता हूँ, सबको करेंगे सिलेक्ट और स्ट्रोक में आएंगे, स्ट्रोक में यहाँ पर आपको मिलेगा राउंड ज्वाइन, ये देखिए तो ये सही हो जाता है, ये भी सही हो गया। अब हमें बनानी है ऊपर की हैंडल, हैंडल बनाने के लिए भी ये वाला पार्ट का हाफ लेना होता है आपको, और यहाँ पर आपको ये स्नैप लॉक थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा इससे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट कम है और ये पार्ट ज़्यादा है, इसीलिए ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया। इस पार्ट को भी आप चाहे तो कम ज़्यादा रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर रखा डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर ये देखिए कितना आया है, ये आया है 4 सेंटीमीटर, तो अगर आप चाहे तो इसको कम भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जितना आप रखेंगे उसी हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें सेट करनी होती है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट। तो अभी ये भी बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट है, जब बंद होगा एकदम परफेक्ट आएगा, और ये भी जब बंद होगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अभी हमें ये हैंडल बनानी है, तो हैंडल बनाने के लिए रिसीव करेंगे कॉपी और रोटेट, रोटेट करके हम इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसको यहाँ पर लगाएंगे, और फ्रेंड्स इस बॉक्स को बोलते हैं गेबल बॉक्स। इससे पहले जो मैंने बनाया था वो था लैंडस्केप, और अभी मैं बना रहा हूँ पोर्ट्रेट, तो इसी तरह से आप किसी भी साइज का बना पाएंगे। इसको भी करेंगे डिवाइडेड बाय 2,
ये हो गया ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम हैंडल बना लेंगे, तो इसी को करेंगे कॉपी और इसको हम रख लेंगे 2.5। इसको भी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी साइज़ का रखिए, इसको आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है 2.7 और इसकी हाइट है 4.3, तो इसको भी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट मैं रख लेता हूँ 4.3 और इस पार्ट को मैंने रखा है 2.5, यहाँ पर है 2.7, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे तो सेम भी रख सकते हैं 2.7 भी। ये देखिए 2.7। उसके बाद इसको हम दे देंगे फुल कर्व इस तरह से और इस पार्ट को हम यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद ये है इसकी हैंडल ठीक है, हैंडल है 8x2 सेंटीमीटर की, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 8x2.2 कर देता हूँ। ये देखिए और इसको बिल्कुल सेंटर में रखनी है, बिल्कुल सेंटर में आपको इसको रखना है। उसके बाद इसको हम दे देंगे कर्व ऊपर से। ये देखिए अभी आप देख रहे होंगे सेम टू सेम इस तरह की हैंडल बन जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये है 8mm का, तो आप यहाँ से एक रेक्टेंगल लीजिए, यहाँ तक मिलाइए और इसको आप दे दीजिए 8mm या फिर 1 सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और उसको आप यहाँ से मिला दीजिए, देखिए इस तरह से आपको मिलाना है। उसके बाद इन दोनों को और थोड़ा सा बड़ा करना है और इस तरह से ये देखिए यहाँ तक मिलाना है और इन दोनों को करना है सिलेक्ट और यहाँ से कर देना है क्लिक टू माइनस, तो ये बन जाएगा इस तरह से जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर बीच में आपको इस तरह की डिज़ाइन दिख रही है, ये डिज़ाइन आप चाहे तो पूरी यहाँ से भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये देखिए ये है 7 सेंटीमीटर बाई 1.4, तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे 1.4, इसकी हाइट हम रखेंगे 1.4 ठीक है, और इसको रखेंगे सेंटर में और इसको हम कर देंगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको लेना है सर्किल का शॉर्टकट है L। ये देखिए इस तरह से आप सर्किल ले लीजिए और इसको आप यहाँ से मिला दीजिए ऊपर से। उसके बाद इसको आपको करना है सेलेक्ट, रेफरेंस पॉइंट रखना है टॉप में और इसको आपको धीरे धीरे करना है बड़ा, यहाँ तक आपको मिला देना है। ये देखिए इस तरह से बड़ा करके आप यहाँ से मिला लीजिए, और अगर इससे थोड़ा छोटा बड़ा भी होता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है ठीक है। अब आपको ये वाला पार्ट काट के अलग कर देना है। ये देखिए ये वाला पार्ट आपको हटा देना है, दोनों को करना है सिलेक्ट और यहाँ से क्लिक टू माइनस। ये देखिए तो ये आपकी हैंडल इस तरह की बन जाएगी और आपको इसको बिल्कुल सेंटर में रख लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह की हैंडल आपकी बन जाएगी। उसके बाद इन दोनों को करना है सिलेक्ट और यहाँ से यूनाइट कर देना है। अभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमें ये वाला पार्ट बनाना है। ये पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक लीजिए रेक्टेंगल, उसको इसको हम देंगे 0.2 और हाइट हम रख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इसको दे देना है ऊपर से फुल कर्व और इसको हमें करना है चेक कि ये परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको और आर रोटेट टूल लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे। तो इसको हमें थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 4.1। अब मैं फिर से चेक करूँगा, रोटेट टूल यहाँ पर रखूँगा सेंटर में और इसको इस तरह से चेक करूँगा। तो फ्रेंड्स अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरह से ये बन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो 1mm और मैं बड़ा कर देता हूँ, 4.2 कर देता हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। आप देखिए अब यहाँ पर रखूँगा रोटेट टूल और इस तरह से रोटेट करूँगा, तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और यहाँ से भी मैं देख लेता हूँ सेंटर से भी, तो ये सही है। तो इस तरह से हमें इसको बना लेना था। उसके बाद इसको हमें इसके सेंटर में रखना है। ये देखिए सेंटर में रख लीजिए। उसके बाद ये वाला पार्ट कॉपी करिए, कॉपी करके आपको यहाँ पर रखना है और ये पार्ट आपको यहाँ से मिलाना है
और यहाँ से हम इसको 2 सेंटी और बड़ा करेंगे, तो प्लस 2, ये देखिए। उसके बाद इसको आप सेट कर लीजिए जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लीजिए। मैं इधर से करता हूँ 2 सेंटीमीटर, इधर से भी 2 सेंटीमीटर, थोड़ा थोड़ा और करता हूँ 1 सेंटीमीटर, और इधर से भी -1। अब इन दोनों को करूँगा सिलेक्ट और कर, ये अभी आपको दिख रहा होगा जैसा ऊपर है वैसा ही यहाँ पर बन चुका है। अभी ये परफेक्ट हो गया। अब देखिए, अब मैं एक बार और दिखा देता हूँ इसको यहाँ पर रख के। इसी तरह से आपको चेक करना है जब भी आप किसी भी साइज का बनाइए, इसी तरह से चेक कर लीजिए कि परफेक्ट है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर सेंटर में, और इस तरह से ये देखिए, तो ये परफेक्ट है। तो इसी तरह से आपको बना लेना है। अभी ये हो गया ना, अब इसी को करेंगे कॉपी इन दोनों को, और यहाँ पर रख लेंगे। ये देखिए यहाँ से मिला दिया मैंने, ठीक है। और ये पार्ट हमें यहाँ से मिलाना है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा कम किया था। अब इसको दोबारा से सेंटर कर देंगे, सॉरी यहाँ पर एक क्लिक और करेंगे और ये सेंटर। तो अभी ये परफेक्ट बॉक्स हमारा बन चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कट नहीं है और यहाँ पर कट है। तो आप चाहे तो दोनों साइड का सेम भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो इस तरह का भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम जितने भी इसकी फोल्डिंग लाइन्स है वो सेपरेट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सारी है, और ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, और कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एफ, जितनी भी डबल लाइन्स है सब हटा लीजिए। ये देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देखा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा मत किया करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। ये देखिए फिर से लेंगे इन सबको, और आईड्रॉपर टूल से यहीं से ही कलर पिक कर लेंगे ग्रीन। ये देखिए ग्रीन कलर मैंने पिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर दिक्कत है थोड़ी, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये पार्ट मैं हटाता हूँ और कंट्रोल एफ करता हूँ, और इस पार्ट को मैं यहाँ से मिलाऊँगा, और इस वाले पार्ट को यहाँ से मिलाऊँगा। अब इन दोनों को करना है ग्रीन, और ये तो ऑलरेडी रेड रहेगा क्योंकि पूरा कट होगा। और अगर आप चाहें तो इसको आप हटा भी सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। अब सेम इसको, सॉरी पहले इसको सेम मैं कॉपी करके यहाँ पर रख दूँगा, उसके बाद उसको हटा दूँगा। ये देखिए ये हो गया, कंट्रोल एक्स करेंगे और इन सबको हम हटा देंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, और यहाँ से आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं और चाहे तो रख भी सकते हैं। तो अभी देख रहे होंगे ये सेम टू सेम हमारा बॉक्स बन गया है, और इन सबको करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल जी करेंगे, और यहाँ से आएंगे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रिएट ट्रिम मार्क्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद शिफ्ट ओ क्लिक करेंगे तो आपका आर्टबोर्ड एक्टिव होगा, फिर मार्क्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। तो अभी आपने देखा ये बॉक्स हमारा एकदम परफेक्ट बन गया है, 100% परफेक्ट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आप किसी भी साइज़ का गेबल बॉक्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, गुड बाय। Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.